अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नश किचन लाइफ। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे अपने अपने लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि मैं गोवा आई हूँ और आज मेरा ये गोवा का दूसरा दिन है। पहला दिन मैंने आपसे शेयर किया था, पहला दिन हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, पूरा टाइम हमने होटल में स्पेंड किया, होटल में ही इंजॉय किया और रेस्ट भी किया। तो ये दूसरा दिन है, तो आज हमको सुबह सुबह में ही साइट सीन के लिए लेकर जाने वाले थे, तो उन्होंने कहा था कि आज हमें आपको गोवा दिखाएंगे और उसके बाद फिर आपको हम नेक्स्ट डे नॉर्थ गोवा लेकर जाएंगे। और उन्होंने हमें रात में टाइमिंग दे दिया था कि हम लोग आपको मॉर्निंग में 9 o'clock को लेकर जाएंगे। और लेकिन क्या है ना, लेट हो गया था हम लोग को उठने में और हमें रेडी होने में ही 9 बज गया था। और हम जब नीचे आए तो वो हम लोग के लिए वेट करने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि आप 5 मिनट में बस में आ जाए। तो फिर हम लोग ने फटाफट जो नाश्ता यहाँ पर था, इतना अच्छा होने के बावजूद भी मुझे मतलब सुकून से बैठकर खाने का मौका नहीं मिला। तो फिर मैंने क्या किया, जितना भी जो भी ड्राई नाश्ता था, मतलब जो ये नूडल्स वगैरह थे, सैंडविच और वड़ा वगैरह था, तो वो मैंने पार्सल लिया कि कहीं भी थोड़ा सा वक्त मिलेगा तो हम लोग थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि पता नहीं आगे बस वो कहाँ पर रुकेगा कहाँ नहीं, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने यही थोड़ा सा पार्सल ले लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आ गए इस बीच पे। तो ये बीच जो कलनगटे बीच है उससे काफ़ी नज़दीक था और यहाँ से ये बोट में हमें बिठाकर डॉल्फिन व्यू के लिए लेके जाने वाले हैं। तो इसका टिकट पर पर्सन 350 है, तो मैंने 2 टिकट करवाया था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं बोट में और डॉल्फिन व्यू करते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें काफ़ी वेट करना पड़ा क्योंकि बारिश की वजह से मे भी वो बाहर नहीं आ रहे थे डॉल्फिन्स, तो हम लोग ने बहुत वेट किया, उसके बाद ही हमें देखने मिला, तो जो सीधे से मुझे रिकॉर्ड करने भी नहीं मिला, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। बट बहुत मज़ा आया इस राइड में, और उसके बाद फिर वो हमें आगे ले गया। तो फ्रेंड्स ये जो दिखाई दे रहा है ये मिलेनियर पैलेस है, जो पूरा के पूरा अंडरग्राउंड है। और ये गोवा की जेल है, ये भी पूरा अंडरग्राउंड है, और ये कई मूवीज में इसको दिखाया गया है, और अभी शायद से इसका काम चालू है, तो इसे अभी म्यूजियम बनाने वाले हैं। फिलहाल के लिए इसको टूरिस्ट के लिए यहाँ पर जाना मना है, तो इसलिए हम लोग ने इसे सिर्फ बाहर से देखा। तो आपने भी इसको कई फिल्मों में देखा होगा ये जेल को। वहाँ से फिर हम लोग चल दिए ओल्ड गोवा की तरफ, जो माना जाता है अपने पुराने चर्चों के लिए, और यहाँ पर बहुत सारे चर्च है। तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ बेसिलिका ऑफ बम जीसस चर्च देखा, जिसे ओल्ड चर्च भी कहते हैं, और उसके एकदम अपोजिट साइड में न्यू चर्च है जो बिल्कुल वाइट इन कलर में है, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो इस चर्च को बनाए 400 साल हो चुके हैं, और इसके अंदर सेंट जेवियर की मूर्ति शरीर को रखा है, और कहते हैं कि 10 साल में एक बार इसे बाहर निकाला जाता है लोगों को दिखाने के लिए। तो चलो मैं आपको पूरे चर्च का अंदर से पूरा व्यू दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड्स ये रहा न्यू चर्च जो पुराने चर्च के एकदम सामने ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम आगे कहाँ गए वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिए। तो अल्लाह हाफिज़।